हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है हरी मिर्च और मैं इनका हरी मिर्च को आज फ्राई करने वाली हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी तरीके से। इस तरह से मैंने चाकू की मदद से यहाँ पर इसको कट कर लिया है। इसमें हमने जो मसाले भरने हैं मैं आपको दिखाती हूँ। 1 स्पून ली है मैंने राई, जिसको दरदरा मैंने यहाँ पर कूट लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून मैंने कलौंजी दाना लिया है, और ये 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है धनिया, और ये सौंफ है। इसको हम बारीक करल की मदद से थोड़ा दरदरा कर लेंगे। ये देखिए, करल की मदद से हमने इस तरह से थोड़ा इसे दरदरा कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर दरदरा मैंने इसको कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे ऐड करूँगी। और ये मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा अमचूर पाउडर, ये भी मैं ऐड कर दूँगी। और 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर लूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास है कुटी हुई राई, वो भी मैं ऐड कर दूँगी। इस मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूँगी और मिर्च में इसको भर दूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, जिसमें मैं थोड़ा तेल ऐड कर दूँगी। और ये गर्म होने पर यहाँ पर हम मिर्च ऐड करेंगे। तेल यहाँ पर गरम हो चुका है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ मिर्च को ऐड कर देंगे। मिर्च को हमने यहाँ पर गोल्डन होने तक फ्राई करना है फ्रेंड्स। ये इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और कुछ देर के लिए ना यही कवर करके रख देंगे। ये देखिए, चटपटी और तीखी सी मिर्च फ्राई होकर रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगती है रोटी के साथ, दाल चावल के साथ। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।